एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कपोला नाम का एक मिलनसार भूत रहता था। कपोला को ग्रामीणों के साथ मजाक करना अच्छा लगता था, लेकिन उसका कोई साथ नहीं देता था। एक दिन कपोला की मुलाकात कुक्कू नाम के एक छोटे से लड़के से हुई, जो जंगल में खो गया था। कपोला ने कुक्कू को अपने ऊपर बैठाकर उसे गांव के चारों ओर घुमाया। कुक्कू ने जो देखा उससे वह चकित रह गया और कुक्कू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हालांकि ग्रामीण कपोला से डरते थे और सोचते थे कि वह अच्छा नहीं है। उन्होंने कुक्कू को उससे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन कुक्कू को पता था कि कपोला एक अच्छा भूत है। वह किसी को बिना मतलब परेशान नहीं करता था। एक रात कुक्कू कपोला के घर के रास्ते से अपने घर जा रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने पलट कर देखा कि कपोला मुसीबत में है। शरारती भूतों के एक समूह ने कपोला को एक पेड़ में फंसा लिया था और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। कुक्कू जानता था कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी है, इसलिए उसने बहादुरी से शरारती भूतों का सामना किया और उसने कहा कि वे कपोला को अकेला छोड़ दे। शरारती भूत कुक्कू की बहादुरी से हैरान थे और उन्होंने कपोला को आज़ाद करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से ग्रामीणों को अब कपोला का डर नहीं रहा और उन्होंने अपने गांव में उसका खुले हाथों से स्वागत किया। कुक्कू और कपोला अब अच्छे दोस्त बन गए और वे खुशी खुशी गांव में रहने लगे।